मेरठ में मोदी का मेगा शो, तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है, चुनावी अभियान के आगाज की हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया, लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ। लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार के औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ में मोदी के मेगा शो में योगी आदित्यनाथ की एक बात बड़ी असरदार साबित हुई। सीएम योगी ने रैली में लोगों से कर्फ्यू और कांवड़ में से एक को चुनने की अपील की। योगी का यह बयान दंगे के दौर से गुजरे जाटलैंड में बेहद असरदार साबित होने वाला है। यह क्षेत्र इस बात का गवाह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। मेरठ में मोदी के मेगा शो से पहले दिल्ली में जुटे इंडिया अलायंस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। 28 दलों के दिग्गज नेताओं ने बारी बारी से मोदी के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी हो या अखिलेश या फिर तेजस्वी यादव, एक जैसा राग अलापते रहे, मोदी सरकार की कमियां गिनाते रहे। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया।
देखो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। विपक्ष के तीखे हमलों को नरेंद्र मोदी ने मेरठ में धुआं धुआं कर दिया। मोदी ने जब मंच संभाला और रॉ में आए तो इंडिया अलायंस पर करारा प्रहार किया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर मेरठ में मोदी गरज रहे थे, विपक्ष के एक एक सवाल पर जवाब दे रहे थे। मोदी ने मेरठ को ही चुनावी प्रचार के आगाज के लिए क्यों चुना, क्या है मेरठ का मोदी से अजब कनेक्शन, इसे भी अब जानिए। मेरठ से चुनावी आगाज मोदी के लिए लकी है। पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद से मोदी ने मेरठ से ही चुनावी प्रचार शुरू किया था। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में ही की थी। इसके अलावा 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बना दिया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। एक बार फिर से 400 पार, इसी मिशन के लिए बीजेपी चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों को जीता जाए। यही कारण है कि बीजेपी जयंत चौधरी को साथ लेकर चल रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जाट वोटर्स का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना दबदबा रहा है। 18% दबदबा जो है जाट वोटर्स का रहा है, इतनी उनकी आबादी है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जाट वोटर्स एकमुश्त एनडीए को मिले। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जिलों को जाट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जाट यहां पर बड़ी तादाद में हैं। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट हैं और 120 सीटों पर इनका असर है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत हार तय करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी बड़ी ताकत और बड़ी हैसियत रखने वाले जयंत चौधरी ने 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और 5 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी की आंधी के सामने उनकी एक न चली और वह अपनी जमीन तक बचाने में कामयाब नहीं हुए। अब 2024 में जयंत चौधरी ने एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई, भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। जयंत चौधरी के लिए महागठबंधन सियासी संजीवनी की तरह है, तो बीजेपी के लिए भी ये कम फायदे का सौदा नहीं है। 2019 में सहारनपुर और मुरादाबाद हारी थी बीजेपी। वेस्ट यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें मानी जाती हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है।
इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, नगीना, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इनमें 4 पर बीएसपी और 3 पर सपा को जीत मिली थी। जाटलैंड में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर राष्ट्रीय लोक दल हर मौके पर मुनाफे में रही है। चुनावी इतिहास में झांकने पर पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह के दौर से ये गठजोड़ सफल रहा है। जनसंघ के दौर में 1977 के चुनाव में भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ साथ प्रचार किया था। दोबारा 2002 का चुनाव बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। उस समय आरएलडी 14 सीटें जीती थी। तीसरी बार बीजेपी और आरएलडी 2009 में साथ आए थे। 2009 के चुनाव में मथुरा से आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह पहली बार संसद पहुंचे थे। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। जयंत चौधरी पुरखों की विरासत को नई पहचान देने के लिए मोदी के साथ जुड़े हैं। बीजेपी नेता भी जाटलैंड में आरएलडी से गठजोड़ को जीत की गारंटी मान रहे हैं। करीब 13 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन से हुआ ये कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं सूबे की राजनीति में भी आरएलडी के एक विधायक अनिल कुमार को मंत्री पद दे दिया गया। वहीं उनके मथुरा के योगेश नौहवार को एमएलसी बना दिया गया। तीसरी बार 4 जून ये तो अकाट्य सत्य है कि मोदी के मुकाबले में फिलहाल कोई नहीं। ना उनके जैसी रणनीति किसी के पास है, ना उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास है, ना ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास है। चुनावी मैदान में मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। विरोधी गठबंधन कितना ही भारी भरकम क्यों ना हो, नेताओं और पार्टियों की कतार कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोदी के बरक्ष सबका कद खुद ब खुद घट जाता है, क्योंकि मोदी की मेहनत दिखती है, रंग लाती है, जनता को भाती है। मोदी लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि वोटर को उनकी छवि ही ईवीएम के बटन में नजर आती है। 24 का चुनाव मोदी में है। इस मोदी लहर की कार किसी के पास नहीं है।